हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शैतांश कुमार हुआ, मेरा और आप सबका ब्यूटीफुल सा चैनल साइंस कंसेप्ट डॉट ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पिछले दिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे और उसके बाद हम लोग देखे थे मेंसुरल साइकिल, और आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे आपको पढ़ना है क्लासरूम की तरह नोट्स बनवाकर लिखवा रहा हूँ, आप भी नोट्स बनाकर पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप इसको देखकर समझने की कोशिश करो। देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में मेरा मार्कर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप देखो जो अंदर में लाइनिंग बनाए थे इसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर ओवरी होता है, तो ओवरी ओवम रिलीज करता है, ये ओवम चला पहुंच जाता है अम्पूला रीजन में बीच में, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म आता है और इसको फर्टाइल कर देता है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जायगोट बनेगा। जायगोट हमेशा होगा टू एंड डिप्लॉइड, और ये जायगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा माइटोटिक सेल डिवीजन से। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल, जैसे एक सेल है तो इसमें मान लो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, तो ए सेल दो सेल में डिवाइड करेगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम कांस्टेंट रहेगा, इसको माइटोसिस सेल डिवीजन बोलेंगे। अब मियोसिस में बताए थे कि हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो इधर 23 हो जाएगा, इधर भी 23 हो जाएगा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि जायगोट माइटोटिक सेल डिवीजन से डिवाइड करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन से डिवाइड करता है और ये कंटिन्यूअसली डिवाइड भी करता है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और वो फाइनली 4 से 5 दिन लग जाता है उसको यूट्रस में आने में। यूट्रस में इंडोमेट्रियम पहले से बना हुआ है, ये यहाँ पर आता है और इंडोमेट्रियम के अंदर में इम्बेडेड हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ इम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द इंडोमेट्रियम आर कॉल इम्प्लांटेशन। देखो, जब ये जायगोट है तो सिंगल सेल है, लेकिन जायगोट जैसे ही डिवाइड करके हंड्रेड्स ऑफ सेल बना लेता है, मतलब बहुत सारा सेल बना लेता है, उस स्टेज को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो में ये यूट्रस में आने में 4 से 5 दिन लग जाता है और इंडोमेटेरियम में आके इम्बेडेड हो जाता है, इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन जैसे ही हो जाएगा तो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो और ये यूट्रस का वाल है, इसके बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। यही प्लेसेंटा बाद में ये जो एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, और एम्ब्रियो में मतलब कि एम्ब्रियो बनेगा फिर फीटस बनेगा, मतलब जो ये ग्रोइंग बेबी हो रहा है इसके बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बनता है, और ये वेस्ट मटेरियल फिर से प्लेसेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में चल जाता है। मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, देखो मान लो फीटस है और ये यूट्रस का वाल है, तो फीटस और यूट्रस के वाल में कुछ ऐसा रिलेशन है। देखो ये यूट्रस वाल है, दिखाई दे रहा है, तो रुको मैं ऊपर की तरफ बना देता हूं। देखो ये मान लो आप फीटस है और ये यूट्रस वाल है, तो ये आप देख रहे हो यूट्रस वाल, ये आप देख रहे हो प्लेसेंटा, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ है ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, और ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये है ग्रोइंग एम्ब्रियो, मतलब फीटस है। देखो, तो मैं कभी कभी जायगोट बोल रहा हूँ, कभी एम्ब्रियो बोल रहा हूँ, कभी फीटस बोल रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, अभी समझ लो। देखो, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है, जायगोट डिवाइड करके बहुत सारा सेल का गुच्छा बना लेता है, उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, और वही एम्ब्रियो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके बेबी बनना है, तो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर लेगा और ऐसा स्टेज आ जाएगा जिसमें हाथ पैर नाक कान मुंह हेड
थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी सब पता चलने लगे तो उस स्टेज को इम्ब्रियो बोलेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बेबी का जन्म होता है वो फीटस का होता है कि इम्ब्रियो का होता है? तो आप कहेंगे सर फीटस का होता है। हाँ, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस का जन्म होता है। चलिए, तो हम अलग से डिफरेंस लिखवा देंगे जायगोट में और फीटस में डिफरेंस। अब देखिए, तो आपको याद रखना है कि यूट्रस वाल है, यूट्रस वाल से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, एंटीबॉडी सब प्लेसेंटा ऑब्जर्व करके फीटस को दे देता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, लिखवा दूंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पर वही बात हम लिखे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है विच डिवाइड बाय माइटोसिक सेल डिविजन। माइटोसिस सेल डिविजन से वो डिवाइड करता है टू फॉर्म और स्ट्रक्चर, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक, दिस इम्ब्रियो ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ेगा सेल डिविजन करके, एंड उसी वक्त जैसे जैसे साइज में बढ़ रहा है वो यूट्रस की तरफ ये इम्ब्रियो मूव भी कर रहा है, यूट्रस की तरफ मूव करके आ गया और एंड फाइनली इम्बेडेड इनटू द इंडोमेटेरियम, और लास्ट में इंडोमेटेरियम में इम्बेडेड हो गया। इसी इम्बेडेड होने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। आप तो याद ही रखना इम्प्लांटेशन क्या है, तो बोलिएगा द प्रोसेस ऑफ इम्बेडिंग ऑफ इम्ब्रियो इनटू द इंडोमेटेरियम आर कॉल्ड इम्प्लांटेशन। देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद और डिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना ना, इसके बीच में आप देखो ये मान लो इंडोमेटेरियम है, तो इसके बीच में डिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना, यही बाद में प्लेसेंटा बन जाता है। किसके बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना? इम्ब्रियो और यूट्रस वाल के बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको प्लेसेंटा बोलेंगे। और यही प्लेसेंटा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एंटीबायोटिक्स टू द ग्रोइंग इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का जो साइज बढ़ रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, विच फॉर्म इन ग्रोइंग इम्ब्रियो ड्यूरिंग द मेटाबोलिज्म। एक चीज और लिखा हुआ है, ऑल्सो रिसीव वेस्ट मेटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो इम्ब्रियो है तो इसमें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा, तो रिलीज होगा तो ये रिलीज होकर के कहाँ चला जाएगा? मदर के बॉडी में चला जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से होकर के। तो सीक्वेंस अगर पूछा जाएगा कैसे कैसे फ्लो होता है, तो आपको बोलना है कि यूट्रस वाल से प्लेसेंटा में जाता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड में जाता है, फिर फीटस में जाता है। हम लोग गलत समझते हैं, हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को ही प्लेसेंटा समझते हैं। मैं समझाऊंगा, अलग से लिखवा दूंगा, अभी देखो। तो ये बता दिए, अब मैं लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, जाइगोट और फीटस में क्या डिफरेंस है, फिर वो फिगर बना देता हूं। चलो आप पॉज करके लिख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब हेडिंग बनाओ डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, जाइगोट और फीटस में क्या डिफरेंस है। इधर मैं जाइगोट बना देता हूं और इधर फीटस। देखो, जाइगोट आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, तो मैं लिख देता हूं नंबर वन में, जाइगोट आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इसके बारे में बोलो फीटस में, फीटस आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ इम्ब्रियो, मैं लिख देता हूं इट इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ इम्ब्रियो, EMBRYO, इम्ब्रियो। ठीक है, देखो ये जो है ना जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, तो इट इज यूनिसेलुलर। इसके बारे में बात करेंगे तो ये मल्टीसेलुलर होगा, तो मैं लिख देता हूं इट इज मल्टी सेलुलर। और बताओ, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म इम्ब्रियो, नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट डिवाइड
टू फॉर्म इम्ब्रियो, जाइगोट डिवाइड करके इम्ब्रियो बनाता है एंड इम्ब्रियो डिवाइड टू फॉर्म फीटस, इम्ब्रियो डिवाइड टू फॉर्म फीटस, इम्ब्रियो डिवाइड करके फीटस बनाता है। देखो इम्ब्रियो में एक बात है कि वैसा स्टेज जिस समय बॉडी पार्ट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, तो मैं इसमें फोर नंबर में लिख देता हूं, फीटस आर द स्टेज एट विच बॉडी पार्ट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, आसानी से इसको पता लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए अब इसको रहने दीजिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कुछ और पॉइंट बाकी है जैसे गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, पार्चुरिशन क्या होता है, इसी सब पर छोटा छोटा पॉइंट है जिसको मैं क्लियर करूंगा। आप इसको पॉज करके लिखो, मैं इरेज कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है जिसके बारे में बस डिफिनेशन जानना है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, देखिए गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में होता है 9 मंथ। हाँ तो लिख देता हूं, द पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू पार्चुरिशन आर कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, द पीरियड्स बिटवीन फर्टिलाइजेशन, द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरिशन आर कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है इन ह्यूमन, ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, इन ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड आर पीरियड्स आर ऑफ 9 मंथ। ठीक, एक दूसरा टर्म है छोटा सा पार्चुरिशन, यहां पर यूज भी किया पार्चुरिशन। पार्चुरिशन जो होता है ना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग बर्थ ऑफ द बेबी बाय मदर आर कॉल्ड पार्चुरिशन, तो मैं लिख देता हूं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग बर्थ ऑफ द बेबी बाय मदर आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, पार्चुरिशन। बर्थ लेने की जो प्रोसेस है उसको पार्चुरिशन बोलते हैं, इसमें बहुत सारा एंडोक्राइन हार्मोन भी इन्वॉल्व है। थोड़ा सा बता दूं, चलो बता देता हूं, ड्यूरिंग पार्चुरिशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होता है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करता है स्मूथ मसल पर, मेनली मायोमेटेरियम पर, और उसका रिदमिक कंट्रैक्शन है और एक्सपेंशन करता है जिसके वजह से बेबी का बर्थ होना आसान हो जाता है। तो लिख देता हूं, ड्यूरिंग पार्चुरिशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आर रिलीज्ड विच एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ड्यूरिंग पार्चुरिशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन आर रिलीज विच एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स
एंड हेल्प इन रिदमिक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूट्रस वॉल एंड दस हेल्प इन पार्चुरेशन। इस तरह से पार्चुरेशन में हेल्प करता है। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आर ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, तो मैं लिख देता हूं क्यों, क्योंकि बर्थ कराने में हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन्स, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बर्थ में हेल्प करता है। चलो अब ये सब टर्म हो गया, अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल क्या होता है थोड़ा वो भी बता देता हूँ। आप लिखो इसको, चलो तो मैं आप लिख लो पॉज करके, मैं कोलेस्ट्रॉम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम मिल्क रिलीज होता है ना, मदर जब पार्चुरेशन होता है, बेबी का जन्म होता है, उसके बाद मिल्क रिलीज होता है, तो जो फर्स्ट टाइम मिल्क रिलीज होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम में हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी होता है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू द ग्रोइंग बेबी। जो बेबी आएगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें नेचुरल तरीका से सभी एंटीबॉडी मिल जाता है बेबी को, इसलिए फर्स्ट मिल्क मदर का बेबी को ही देना चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से बेबी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है बेबी को कोलेस्ट्रॉम देना, मतलब मिल्क देना। हाईली एंटीबॉडी होने की वजह से वो थोड़ा येलो कलर का होता है स्लाइटली। ठीक, चलो तो मैं हेडिंग बनाने जा रहा हूँ कोलेस्ट्रॉम। तो मैं लिख देता हूं द फर्स्ट मिल्क रिलीज्ड बाय द मदर आफ्टर पार्चुरेशन आर कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम आर रिच इन एंटीबॉडी। चलो लिख देता हूं, ठीक है। अब आप इसको लिखो, चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो जब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो किस मंथ में बॉडी का कौन पार्ट बनता है उसके बारे में बात करेंगे। आप पॉज करके लिखिए, मुझे पता है बहुत ज्यादा हो जा रहा है, पर बीच में कैसे छोड़ सकते हैं, टॉपिक कंप्लीट बिना किए नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए लिखिए आप। चलो मैं इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को थोड़ा और शॉर्ट में करके मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि किस मंथ में इम्ब्रियोनिक का जो डेवलपमेंट हो रहा है, कौन ऑर्गन बनता है उसको मैं बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें हार्ट बीट हो जाता है, ठीक है, हार्ट बीट बन जाता है, मतलब हार्ट बीट शुरू हो जाता है। हार्ट इसका मतलब कि सबसे पहले कोई ऑर्गन बनता है तो कौन बनता है, हार्ट बनता है, हार्ट सबसे पहले बनता है। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट, लिम्स मतलब हो गया हाथ पैर का मसल्स, बॉडी बनता है, और उसके बाद डिजिट मतलब फिंगर, ये सब का डेवलपमेंट हो जाता है। 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमिस्टर, तीन मंथ को फर्स्ट ट्राइमिस्टर बोलते हैं, ठीक। तो 12 वीक मतलब
कितना हुआ, 4 सप्ताह में 1 महीना होता है तो 12 में 3 महीना होगा, तो 3 मंथ में मोस्ट ऑफ द मेजर सिस्टम आर फॉर्म, मेजर वाइटल ऑर्गन सब बनने लगता है। ठीक, 5th मंथ में सबसे पहले फीटस का मूवमेंट होता है और स्कल्प और हेयर, आईब्रो वगैरह हेयर का सब फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक, 24 वीक मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 6 मंथ, तो इसमें फाइन बॉडी हेयर वगैरह बनता है, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आईलिड जो है ये सेपरेट हो जाता है और आई लैसेस, ये जो आईब्रो के नीचे वाला आईब्रो है ना, आईब्रो ये आईब्रो है, आईब्रो के नीचे वाला ये जो पुपिल है, यहाँ पर जो हेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं आई लैसेस, ये सब बन जाता है। ठीक, और ये जो 9 मंथ में होता है फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है फीटस और रेडी फॉर डिलीवरी, अब बेबी का जन्म होगा। इस तरह से इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग देख चुके कि कैसे कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, पूरा डिटेल में देख चुके हैं। अब हम लोग अगले दिन से नया चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। मैं पूरा सिस्टोमेटिक तरीका से पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है नोट्स बनवा करके, जो भी स्टूडेंट है आप समझ ले क्लास 10th का चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस, जो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अगले दिन स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो पढ़े, और आप जो स्टूडेंट न्यू है जो अभी अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले जो अपलोड हुआ है लेक्चर आप उसको जाकर के देखिए, तो आपको सिस्टमेटिक तरीका से मिल जाएगा, आप नोट्स बनाइए अच्छा से समझ पाइएगा, नोट्स बनाइएगा तो, और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैं बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, थैंक यू, जो भी प्रॉब्लम होगा डाउट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।